एलेवेंथ फिजिक्स के अंदर आज हम आयतन गुणांक को पढ़ेंगे और यह हमारा ठोसों के यांत्रिक गुण चैप्टर नाइन का भाग आठ है पिछले भागों के लिए आप चैनल पर चले जाइएगा और अगले भागों के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आयतन गुणांक किसे कहते हैं तो ये एक तरह का प्रत्यास्थता गुणांक है और किस तरह का प्रत्यास्था गुणांक है कि जब किसी भी ठोस गोले को हम द्रव में डुबोते हैं तो उस पर जो है द्रव द्वारा बल लगता है और वो बल उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दिशा में कार्य करता है इससे क्या होगा कि गोले की जामिति आकृति तो बेसी की बेसी रहती है क्योंकि वो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत लग रहा है परंतु उसके आयतन में क्या होती है कमी आ जाती है तो इस स्थिति में ये जो आयतन में कमी होती है इसको हम आयतन विकृति कहते हैं कि आयतन विकृति उत्पन्न हो जाती है तो क्या कहा हमने कि जब भी आप किसी ठोस गोले को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव द्वारा जो लगने वाला बल है वो उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दिशा में कार्य करता है और जिससे उसके आयतन में कमी हो जाती है तो इस प्रकार जो फाइनली उसमें एक आयतन विकृति उत्पन्न हो जाती है अब जो प्रत्यास्था गुणांक है वो तो ये कहता है कि जो अनुपातिक सीमा है जो कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर होती है उसमें प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है तो यहाँ वो जो अनुपात होगा वो होगा जलीय प्रतिबल और उसके संगत आयतन विकृति का अनुपात मतलब जब आप आयतन गुणांक कहेंगे तो वो जलीय प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात होगा जलीय प्रतिबल और आयतन विकृति दोनों को हमने विस्तार से पिछले वीडियो में देखा है पर बहुत संक्षेप में मैं आपको यहां भी बताना चाहूंगा कि जो ठोस होता है मान लीजिए जैसे इस 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 ठोस गोले को द्रव में डुबाया गया था तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आरोपित प्रत्यानयन बल है उसको जलीय प्रतिबल कहते हैं तो यहाँ यह जलीय प्रतिबल से अभिप्राय यहाँ यह इससे है और इसे पी से व्यक्त करते हैं और जो आयतन विकृति है वो ऐसी है कि जो जो भी वस्तु है या जो भी ठोस है उसके आयतन में क्या परिवर्तन आया और उसका प्रारंभिक आयतन कितना था उसके अनुपात को हम आयतन विकृति कहते हैं और इसे जो है हम करते हैं कि जो आयतन में परिवर्तन है वो डेलवी है और प्रारंभिक आयतन वी है तो ये डेलवी अपान वी होता है इसको किससे व्यक्त करते हैं पी से और इसको डेलवी अपान वी से मान आप यहाँ रख दीजिए और जो हमारा आ, ये जो विकृति आई है ये जली दाब के कारण आई है बिल्कुल स्पष्ट है आयतन गुणांक को बी से व्यक्त करते हैं तो देखिए जली प्रतिबल की जगह पी आ गया और ये आयतन विकृति की जगह डेल ढेलवी वी हो गया और एक माइनस का चिन्ह लगा है और ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि दाब में वृद्धि होने पर आयतन में क्या होती है कमी होती है तो जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा आयतन में क्या होगी कमी होगी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र हैं आयतन गुणांक के वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमी सूत्र एम एल माइनस वन टी माइनस टू है और मज़ेदार बात यह है कि सारे प्रतिबल और सारे प्रत्यास्था गुणांक ऐसा ही मात्रक और विमी सूत्र यही होते हैं क्योंकि जो विकृति है वो विकृति तो विमाहीन है मात्रकहीन है तो ऐसे में प्रतिबल और जो हमारे प्रत्यास्था गुणांक होते हैं उन सबके मात्रक समान होते हैं धन्यवाद